सुपर स्ट्राइकर से मिलने से बस कुछ घंटे पहले अभी मेरे साथ है ओरायन के कोच ब्लैक। कोच ब्लैक, आज ओरायन के सितारों में क्या लिखा हुआ है? सही वक्त पर आया पेगासस। जल्द ही ये स्पेसशिप मुझ जैसे आम लोगों को भी स्पेस की सैर कराने ले जाएगी और मैं बनूंगा दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट। कोच, आपका सुपर लीग मैच सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आज रात सॉकर स्फीयर और अगले हफ्ते स्ट्राइकर लैंड में सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह मात खाने वाले हैं। मेरे पास एक खास हथियार है जिससे जीत पक्की है। खास हथियार से आपका मतलब क्या है? चौंका देने वाला। सेकेंड हाफ चल रहा है और ना ही ओरायन और ना ही सुपर स्ट्राइकर्स का खाता खुला है। दोनों ही बराबर है, न जाने अब ये कैसे स्कोर करेंगे। कोच ब्लैक का खास हथियार तो दिखा ही नहीं। और ये बहुत ही दमदार किक। बॉल काफी ऊपर हवा में और साथ ही ओरायन के प्लेयर भी हवा में। ना मुमकिन, कमाल है दोस्त। इसे कहते हैं खास हथियार मैक। ये है क्या यार? ये कैसे हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए मांगो दुआ। लगता है जैसे इसमें स्प्रिंग लगी हो। वो ये कर कैसे रहे हैं? मैदान ने एक बार फिर से गोल कर दिया और रायन वाले तो इस खेल को किसी दूसरे ही लेवल पर ले गए हैं। स्कोर बोर्ड झूठ नहीं बोलता मैक, उन्होंने तो जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को धूल ही चटा दी। मुझे नहीं लगता सुपर स्ट्राइकर्स इनके साथ वाले अगले मैच में भी और रायन को मात दे पाएंगे। वाओ मेरा, तुम्हारे मूव्स तो कमाल के थे। इसमें कहीं पंख तो नहीं लगे है ना? ऐसा ही समझ लो। वो इतनी ऊपर उड़ कैसे रहे थे? हाँ, थोड़ा ऊंचा कूदना तो समझ गया, पर वो तो जैसे उड़ रहे थे। चल यार, हम भी जाकर कुछ कमाल दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे मेडा, पर मैं हवा में खेलने वाले तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा कर रहूंगा। यार उन्होंने किया कैसे? पता नहीं यार। स्कैन के लिए तैयार रहिए। स्कैन? ये क्या हो रहा है? मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। और आयन स्ट्राइकर पहचाना गया। आंद्रे मेडा। मैं मेडा नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। वेलकम मेडा, तेजी से नीचे सीक्रेट एरिया में जाने के लिए तैयार रहिए। मंजिल आ गई। मैं वापस ऊपर सीढ़ियों से जाऊंगा। सीक्रेट ट्रेनिंग लैब। हाँ? वाह! ये क्या चीज है? अपनी ट्रेनिंग का मजा लीजिए मेडा। वाओ, एक जीरो ग्रेविटी चेंबर। तो चलो खेले ओरायन स्टाइल में। वर्टिगो, मुझे सजीव जगह से बाहर निकालो। कौन है? ए, रुको, तुम्हारी ये जगह काफी अच्छी है। सॉरी, कॉफी किसी और दिन पी लूंगा। चलो, अच्छा हुआ आप आ गए। चलो चले चलो।
अब तो मेरी खैर नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ओरायन का सीक्रेट जान गए। मुझे सब ठीक करना होगा। ये सच है, मैं वहां था, मैं वहां उड़ रहा था। शायद तेरे सिर पर चोट लगी होगी और तुझे सिर्फ लगा कि तू उड़ रहा था। हवा में उड़ना तो नामुमकिन बात है। अब समझा ओरायन ने उस तरह खेलने की ट्रेनिंग कैसे की होगी। पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो कहीं होनी नहीं चाहिए। एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। चिकन या फिश? अरे ये तो नया है। कौन हो तुम? मैं हूँ नया एयर होस्टेस, मेरा मतलब एयर स्टूअर्ड। हाँ स्टूअर्ड। ए सुनो दोस्तों, ये है स्टूअर्ड। हाँ स्टूअर्ड। शायद एक रास्ता है जिससे हम ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम से कम उस जैसी ट्रेनिंग ले ही सकते कैप्टन, प्लान में थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब थोड़ा सा आराम किया जाए। कंप्यूटर, होलोग्राफिक स्टारफील्ड शुरू करो। वो रहा ओरायन्स बेल्ट और हॉर्स हेड नेब्यूला। सुपर स्ट्राइकर्स का जू? क्या ये कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं है? मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सुपर स्ट्राइकर्स का जूता आया कैसे? कमाल है यार, यकीन नहीं होता हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हैं। सही कहा। अगर हम ट्रेनिंग करने स्पेस में नहीं जा रहे तो हमने ये अजीब से पट्टे क्यों पहन रखे हैं? मैंने अपने एक दोस्त को ये जगह हमारी ट्रेनिंग के लिए देने को राजी कर लिया है। क्या जगह है यार। इस चेम्बर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसलिए जब मैं उन्हें ऑन करूंगा तब तुम्हारे हाथ, कमर और पैरों पर लगी मेटल प्लेट्स तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच झुलाएगी। फिर से नहीं। अरे आज मैं ऊपर, कोच नीचे, ये क्या हो? कोच, ये तो उल्टे स्काई डाइविंग करने जैसा है। ओह नो, ये लोग तो सही ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब मेरी गलती है, मुझे ये रोकना ही होगा चाहे जो हो जाए। कुछ मूव्स ट्राई करो। इसे कहते हवा में झंडे गाड़ना। उड़ता टाइगर, फिसलता शेख। लगता है ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब तो मेरी बात बनी समझो। वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स, हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ आए और इसीलिए आपके सम्मान में खास पेश शो तैयार किया गया है। अरे वाह। प्लीज साइंस को फॉलो करते हुए हमारे आधुनिक स्पेस थिएटर तक आइए। ये साइंस तो बिल्कुल भी आधुनिक नहीं लगते। फ्री शो है, ज्यादा मत सोच। Excuse me, अंदर पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? जो भी पूछना है प्लीज प्रेजेंटेशन के बाद पूछिएगा। एयरलॉक एंट्रेंस अब बंद है। स्पेस केबिन एयर प्रेशर संतुलित है। ये तो किसी थीम पार्क की स्पेस राइड जैसा है यार। बैठ जाइए। इंजन इनिशिएशन के लिए तैयार। ओह क्या बात है, काफी खर्चा किया है पर नाश्ते में भी कुछ होना चाहिए था। ये तो किसी भी थीम पार्क से बेहतर है।
लेकिन आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है। लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये शो तो कमाल का है यार। पेगासस और सुपर स्ट्राइकर्स ओरायन वाले सुपर लीग मैच के वक्त तो वो सब स्पेस में होंगे। स्ट्राइकर्स जाओ और जाकर स्पेस में मजे करो। अब शटल पृथ्वी के वातावरण के बाहर आ रहा है। यकीन नहीं होता कि हम अभी जिंदा हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं दोस्त, हम तो सातवें आसमान में झूल रहे हैं। वो ये फिर से शुरू हो गया। अकेले वो भी स्पेस में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन हैं आप? जरा एक मिनट, आप तो सुपर स्ट्राइकर्स हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा, हम सब हर जगह मशहूर हैं, आउटर स्पेस में भी। क्या तुम मुझे बताओगे कि एक सुपर स्ट्राइकर्स का जूता मेरे जीरो ग्रेविटी चेंबर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर, मैं तो ड्यूटी पर अभी आया हूँ। पिछली शिफ्ट में कौन आया था? बार्नी था पिछली शिफ्ट में। बार्नी? आप उसे जानते हैं कुछ? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जल्दी उसका पता लगा कर रहूँगा और जब वो हाथ आएगा। तुम जल्दी वापस आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। ये बटन क्या करता है? उसे छूना मत। कौन है वो? क्राफ्ट पर सिविलियन रहे हैं, सुपर स्ट्राइकर्स। क्या? कैसे? चलो अगर तुम पृथ्वी पर लौटने में कामयाब रही तो सुपर स्ट्राइकर्स हमारे पहले कामयाब स्पेस टूरिस्ट बन जाएंगे। ओह, मुझे ये स्पेस आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा इंटरसेप्शन टाइगर, तुम्हारा मिड एयर कंट्रोल पहले से काफी सुधर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ नए पैंथर बनाओ। यस, ओरायन के सामने टिकने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लेकिन हवा में इस तरह झूलना मुझे डरा रहा है, मेरा ध्यान हट रहा है। यार तू बस चिल कर और इसका मजा ले, समझा? पहले इस चीज को एंजॉय कर दोस्त और फिर गोल कर। फिक्र मत करो सुपर स्ट्राइकर्स, हम आपको मैच के वक्त तक वापस पहुंचा देंगे और शेक और फाइटर के स्पेस आइसक्रीम खाकर उल्टी करने से पहले थोड़ा सा पानी मिलाइए। आपको लगता है कि मैं ओरायन के लिए तैयार हूँ? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है शेक, फील्ड पर। यार रीएंट्री शो। मुझे कोच ब्लैक को ढूंढना होगा। ओह, अब इनाम मिलेगा। ठीक है शुरू करते हैं। यकीन नहीं हो रहा, एक ताजा तरीन खबर आई है दोस्तों, सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है। पता चला है कि वो पेगासस में जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स स्पेस में? पर पेगासस में जाने वाला पहला स्पेस टूरिस्ट तो मैं बनने वाला था। मेरा सपना टूट गया। उससे बदतर उन सबने जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग ली है। बस मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने उनकी स्पेस में जाने में मदद की तो। एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। ये वर्टिगो तो बदतर होता जा रहा है।
ताजुब है, हालांकि सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है, फिर भी शेक पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। शेक, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग के बाद आराम करने का वक्त नहीं मिला। शेक, अब ऊंचाई पर खेल पा रहा है। हालांकि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे यकीन है कि ये अपना जलवा दिखाएगा जरूर। देखा, मैंने कहा था ना। ओके, मैं गलत था। ओरायन की ओर से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या ये गोल हो पाएगा? और ओरायन एक गोल बनाकर आगे। कम ऑन शेक। अब कैसा लग रहा है शेख? हमें गोल करने में तेरी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन, पर क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दें? पत्थर पर मारा मारी पर उतर आना तो अच्छी बात नहीं है ना? दिमाग में क्या चल रहा है शेख? जिस तरह से ओरायन वाले अपना खेल दिखा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार सारे सुपर स्ट्राइकर्स हवा में हैं, पर उनका खेल कहीं और ही है। मुझे लगा था हाफ टाइम के बाद तो ये लोग कुछ करेंगे। एक और बढ़िया गोल, ओरायन दो गोल से आगे। सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो सोच रखा है। शेक तो ओरायन वाला जितना ही ऊपर उठ गया है। तुम अपना भी कोई पैतरा आजमाओगे या नहीं? पैतरा देखना है तो देखो। उसने नीचे शूट किया, क्या चाल थी। ओरायन वाले उसके लिए तैयार ही नहीं थे। लगता है स्ट्राइकर्स ने सामने वालों के खेल को समझ कर उस पर अपना ही अनूठा तड़का लगाया है। दोनों दो दो गोल्स बनाकर बराबरी पर हैं और ओरायन को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ देखे। और बिना ऊंचाई के एडवांटेज के ओरायन के पास बचा ही क्या है। स्ट्राइकर्स ने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, जबकि ओरायन वालों के सिर सातवें आसमान पर हैं। दोनों टीम्स के पास विनिंग गोल बनाने के लिए बस सब कुछ ही मिनट है। शेक बॉल को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए। चंद सेकंड्स के रहते हुए सुपर स्ट्राइकर्स ने तीसरा गोल बनाकर बढ़त हासिल कर ली है। बार्नी, 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 वो रहा बार्नी। जाहिर है आज के मैच का हीरो शेक है। उसने ओरायन को इतना ऊपर भेज दिया कि उसे पता भी नहीं चला कि जमीन पर क्या हो रहा था। तो नीचे नजारा कैसा था? शेक, मैंने सुना तुम हमारे ट्रेनिंग सेंटर गए थे। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी जर्सी, एक छिपे हुए आइडेंटिफिकेशन टैग और एक इरिटेट करने वाले एलिवेटर की बदौलत। ओ हाँ, वो। अरे आप स्टुअर्ट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये स्टुअर्ट नहीं है, यही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने तुम में से एक स्ट्राइकर को जासूसी करने मेरी लैब में जाने दिया। नहीं नहीं नहीं, ये स्टुअर्ट ही है। ये स्ट्राइकर जेट पर चिकन सर्व करता है। क्या करता है? नहीं 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 नहीं, ये तो स्पेस सेंटर वाला गाइड है, वही जिसने हमें शटल पर भेजा था। तुम्हें मुझे हर बात का हिसाब देना होगा, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। हे दोस्तों, स्टुअर्ट को बाय तो बोलो। बाय स्टुअर्ट।
और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, फुल पावर। ये तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लमेंटरी से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूं जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग, मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लमेंटरी से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्कॉफ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्कॉफ में। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं, फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका, अभी क्या भी। स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं, और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस की बात तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स दो नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले दो नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6%। इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा, जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं?
सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओ, क्या बात है, इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है, तुम सबको वहाँ आना है। वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ है, हमें देखने हैं। हाँ। अभी लो, पेश है। Cool Joe's Soul Power। तो जो हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला, इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले दो मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं, वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं, और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करें। सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा, जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में है। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो गेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चले। चीजा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पर पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अर्से से स्ट्राइकर इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम कुछ कहना चाहते हो? ओह नो, तो कमाल
कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास ब्लॉक कर टाइगर को, और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग, और ये शेक्स की बढ़िया किक। न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। राजा, ये भारी है, बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की, और तुम सब कूल जो बूट सी पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है, और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश, पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं, और मुझे तो लगता है आप ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? तीन शब्द नहीं, 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ
मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेक कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं, ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या, ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लड़की एक पतली लेयर, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? मुझे पता है, इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी, समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। अरे बॉल शेक के पास, अच्छी डॉजिंग। शेक के पास किया जो को, अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। और गोल! नहीं! अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। गोल! और स्ट्राइकर्स ने अपने हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था, वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ मैं फिर से, शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव्स जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट, खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस।
अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। वाह वाह क्या बात है, यहाँ इंटरनेशनल गेमिंग कन्वेंशन में सुपर लीग 3000X कॉम्पिटिशन के बस अब कुछ आखिरी सेकंड्स ही बचे हैं। स्कोर्स टाई हो गए और कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, तो जीत किसकी होगी, लूशियस द आईबॉर्न लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन की या फिर हैक स्मिथ की? इस बार नहीं वॉन लिट्जनबर्ग स्ट्रॉमसन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा विनर है हैक स्मिथ। हैक, हम सब जानते हैं कि तुम किसके लिए खेल रहे थे। तुम्हारा ग्रैंड प्राइस है तुम्हारी फेवरेट असली सुपर लीग टीम के साथ उनके अगले मैच में जाने का मौका, स्टार से मिलने का मौका। तो हैक, तुम्हें कौन सी टीम चाहिए? अच्छा तो मैं चुनता हूँ सुपर स्ट्राइकर्स। अब हमारे कोच कहाँ रह गए? वो तो कभी लेट नहीं होते, खासकर तब जब वो हमें हर बार 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 लगातार ये कहते रहते हैं कि गेम कितना जरूरी होता है। चलो चलो चलो, मैं पिछले साल के सुपर लीग फाइनल में किए हुए उसके गोल के बारे में पूछूंगा और गोली को उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और शेख को उसके। इसे संभाल कर रखना, इसमें होने वाले मैच की तुम्हारी टिकट है। बॉयज, ये है हमारी टीम का सबसे नया मेंबर हैक। हाय, आजा दोस्त। सेंसेई, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आपको निराशा नहीं होगी। होना अच्छी बात है मीको चैन, पर जब बात सुपर स्ट्राइकर्स और उनके कोच की हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपनी मेहनत दुगनी कर दो। जी सेंसेई ओरागिरी। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कोई चांस ना लेना। तुम सुपर लीग 3000X खेलना चाहते हो शेख? मैं तुम्हें इसे खेलने दूंगा। खेलना है शेख? हाँ, मैं सुपर लीग गेम खेलता हूँ, असली सुपर लीग गेम जिसमें असली लोग फील्ड पर खेलते हैं। हाँ तो असली जिंदगी में तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। इस वक्त नकामा बहुत ज्यादा जोश में है और तुमसे मिलते ही वो कहेंगे हाय सुपर स्ट्राइकर्स, आज हारने के लिए तैयार हो। तुझे तो मैं। नकामा पहले से बहुत ही अच्छी टीम हो गई है जो अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल करती है। तुम्हें अपनी आँख और कान खुले रखने होंगे, कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। मैं इतनी बार नकामा के सामने खेल चुका हूँ और मैं ये आखिरी लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। उनका एक बहुत ही शानदार मूव है और फिर मैंने सोचा मैं लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट राइट उसके साथ एक्स दबाऊंगा। पर हमें एक बहुत ही जरूरी मैच खेलना है। हाँ, इसलिए पता है, एक बात कहता हूँ, रुकिए पहले से सेव कर लेता हूँ। हाँ तो एक बात बता दो कि नकामा। मैं यहाँ से सीधे ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ, तुम सब होटल में फ्रेश हो लो फिर प्रैक्टिस शुरू। इसे देखो तो, ये बच्चा तो पूरा का पूरा पागल है। पूरी तरह से। कुछ देर बाद तो वो फर्क ही नहीं बता पाएगा उस असली गेम और इस वीडियो वाली गेम के बीच।
सुपर लीग 3000X आज की सबसे एडवांस्ड कंसोल गेम है। हर प्लेयर के इंडिविजुअल मूव्स को मोशन कैप्चर के जरिए इसमें डाला गया है, जबकि टीम की स्ट्रेटजीज को पहले हुए असली मैचेस से लिया गया है। पता है इसमें सब है, कमाल की गेम है, तुम लोगों को इसे खेलना चाहिए। ठीक है, मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आया था। कोच कभी भी ऐसा नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें जानना होगा नकामा के लिए कोच की क्या स्ट्रेटजी है। उन्होंने कहा था ना वो सीधे यहीं आएंगे। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा क्या? ओह, कोच का मैसेज है। हाय दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए कहीं फिशिंग करने जा रहा हूँ, कह नहीं सकता, शायद मैच के लिए वापस आऊँ, शायद ना आऊँ, जो भी हो। वैसे ये मैसेज कोच का तो नहीं लगता है ना? मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। मैं एक गेम खेलना चाहता हूँ कोच, हमारी आम गेम नहीं, किसी और तरह की गेम। तुम हो कौन? ना 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 ना, यहाँ सवाल तुम नहीं पूछोगे कोच, यहाँ सिर्फ मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, तुम यहाँ किसके इंचार्ज हो? चीजों का। स्पोर्टिंग की दुनिया में अभी सिर्फ कोच के इस मैच की स्ट्रेटजी पर ही चर्चा हो रही है, वो टैक्टिकल प्लानिंग करने में माहिर हैं, और यही बात सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे ज्यादा फायदे की है। लेकिन फायदा तो तब होगा ना जब प्लानिंग करने वाला बंदा यहाँ मौजूद हो। मतलब हमें बिना प्लानिंग के ही खेलना होगा। कोच के सम्मान में शायद हमें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, हम ये गेम कोच के लिए खेलेंगे और जीतेंगे भी। हैक ने नकामा को हराया था। हैक ने नकामा को हराया था। हाँ, तो हैक कहाँ है? शेख मेरे दोस्त, हैक चला गया। क्या, तुम्हें कैसे मालूम? इस नोट में लिखा है, मैं जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। पर वो अपना गेम यहीं छोड़ गया। शायद वो जल्दबाजी में चला गया, हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था शेख। अब अचानक तुझे वो हैक वापस क्यों चाहिए? बोल। मुझे लगता है कि उसे पता होगा कि हम नकामा से कैसे जीत सकते हैं। मुझे एक गेम खेलनी है कोच। तो तुम कौन सी गेम खेलना चाहोगे? शायद स्पाई खेलने में मजा आएगा। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो दरअसल शुरू होता है ऊ से। क्या? हाँ, ऊ से। उरा गिरी। नहीं, मैं दुनिया का सबसे महान कोच उरा गिरी नहीं हूँ। उरा गिरी बेहतर होगा कि अब तुम मुझे जाने दो। नहीं, अगर अगर मैं उरा गिरी होता। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो उरा गिरी। ठीक है, अब मैंने इरादा बदल दिया, मैं जा रहा हूँ, तुम यही मजे करो हमेशा के लिए। ए, वापस आओ उरा गिरी, मुझे बाहर निकालो। यार तुम मुझे निकम्मा दिखा रहे हो। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है शेख। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो चेहरा बहुत प्यारा है। एक बात बता शेख, इस सब का क्या फायदा है? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए इसे समझने के लिए। हमें नकामा के खिलाफ कैसे मदद करेगा शेख? अगर मैं ये लेवल पार कर लूं तो मैं शायद पता लगा लूंगा कि नकामा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। लेफ्ट लेफ्ट रेड ट्रायंगल जीरो ग्रीन राइट ग्रीन एक्स गो सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा। यस, ये टैक्टिक्स और मूव सचमुच कितने असली हैं।
नकामा मुसीबत में है। सही कहा मैच। गोल सुपर स्ट्राइकर्स। सही कहा मैच। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। मैं नकामा को हरा सकता हूँ। लेवल वन पास्ट। सुपर स्ट्राइकर्स अब बढ़ो 250 लेवल्स में से सेकंड लेवल पर। 250 लेवल्स। हमें हैक को ढूंढना होगा, पर कैसे? अरे यार, क्या तू सारी रात गेम खेल रहा था? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तू इतना लापरवाह है दोस्त। मैंने पता लगा लिया है, हैक नकामा के खिलाफ सारे 250 लेवल पार कर चुका है। वो उनके सारे टैक्टिक्स जानता है। अगर उसे ढूंढ लिया तो हम जीत सकते हैं। उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कोच मुसीबत में है। आज सुबह मुझे ये मिला। आज सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कोच के लिए अपील देने को। वाओ, क्या शहर है। शायद दूसरे शहर भी इतने ही अच्छे होंगे। शायद एक पूरी दुनिया है देखने के लिए इस गेम के बाहर। मेरा गेम। मैच का दिन आ गया, पर अफसोस बिना कोच के सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने की उम्मीद ना के बराबर है। कम ऑन, हैक को मेरा मैसेज जरूर मिला होगा। उनके हर मूव पर गौर करना, हमें उनकी गेम का अंदाजा लगाना होगा। आज तो हाउसफुल है। नकामा स्टेडियम की कैपेसिटी है 70,000 लोगों की, और फिर भी ऑफिशियल अटेंडेंस दिखाता है कि आज सिर्फ 69,999 दर्शक आए हैं। शायद ही कोई ऐसे मैच को देखने का मौका गंवाना चाहेगा। मैं अपना गेम लेना कैसे भूल गया। आई होप उन्होंने उसे छुआ ना हो। उन्होंने इसे छुआ था और ऊपर से सेव भी नहीं किया। उल्लू कहीं के। प्लीज अथॉरिटीज को जल्द से जल्द खबर करें। थैंक यू, यही कहना था। मैं बस अपने दोस्त हैक से ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने वो गेम खेला है और मुझे लगता है कि आपने सही सुना, सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह फंसे हैं, क्योंकि आने वाले सुपर लीग मैच में उनका सामना है तगड़ी टीम नकामा से। बिना इनके कोच के इनके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब गेम को खेलना होगा सच में। मारो और तुम। हाल ही में नकामा टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखते हैं आज सुपर स्ट्राइकर्स उनके आगे क्या गुल खिलाते हैं। बिना कोच के उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें क्या करना है। फाइटर की अच्छी कोशिश। ये क्या कैप्टन भी नाकाम। बिकोचेन बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए। बिकोचेन की शानदार किक और ये गोल। वाओ, कोच के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे कैप्टन। ये तो एक बच्चे से मिठाई लेने जैसा था। एक और गोल। हमारे दो गोल। सॉरी, मैं जाती हूँ। रुको। इतने सालों बाद भी मुझ में कुछ बात है। ये क्या यार, हमें कोच की जरूरत है। तुम आ गए। हाय दोस्तों। हेलो गेम खेलने वाले पागल लड़के। हैक, तुम हमारे कोच बन सकते हो। तुम बता सकते हो नकामा का अगला कदम क्या होगा। देखा हैक, तुझे गेम खेलने वाला एक और पागल मिल गया। ये सारी रात बैठकर गेम खेल रहा था, पता है। लेकिन शेख,
हैक तो बस एक बच्चा है यार। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ ये एक चैंपियन है, पर सिर्फ वीडियो गेम्स का। मैंने सुपर लीग 3000X खेला है, यकीन मान हैक नकामा की छोटी से छोटी टैक्टिक्स जानता है, हमारे कोच की तरह। याद करो कोच ने क्या कहा था, कभी कभी जहाँ से उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। बेहतर होगा तो इस बारे में गलत ना हो शेख। ठीक है, आप सबको एक बात जानना जरूरी है, ये कि नकामा अपनी सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स टैक्टिक्स मुश्किल घड़ी के लिए ही बचा कर रखते हैं। आप जितना अच्छा खेलोगे वो आपसे डबल अच्छा खेलेंगे। तू ये सब जानता कैसे है? ये सब सुपर लीग 3000X जैसा ही है। अब याद रहे, आप सेकेंड हाफ में जैसे स्कोर बराबर करोगे तब वो अपनी बचाई हुई टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे, बशीडो स्टैंडर्ड। तीन गिनते ही, एक दो तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। मैच फिर शुरू। 11 पिच कंडीशन, एडीना कमोरा 124 पेसेस, 70% विंड स्पीड, केंजो होंडा 22 स्पीड, फ्री किक सक्सेस परसेंटेज, अहा गुजियाओ बाएं पैर का मिडफील्डर। समझ गया। क्या बात है, क्या गोल था। हाफ टाइम के बाद तो कमाल हो रहा है, ये बच्चा तो हमारे लिए एक वरदान है। क्या कहा, किस बात का दान है। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन। जो का पास, शेख की बेहतरीन किक और ये गोल, सुपर स्ट्राइकर्स तो कमाल किए जा रहे हैं। ये छोटा सा कोच कौन है? तो सुपर स्ट्राइकर्स को लड़ना है, अब मैं उन्हें दूंगा बुशीडो स्टैंडर्ड। ये मत सोचो कि मुश्किल वक्त खत्म हो गया, अब नकामा और भी जोश में खेलने वाले हैं और उस टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। तो अब हम क्या करें? वो टैक्टिक है लेफ्ट फिर राइट ग्रीन साथ में एक जीरो। ठीक है, अब जरा हमारी समझ में आए ऐसे बताओगे? लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में एक्स जीरो, लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में एक्स जीरो। टाइगर गोल की तरफ बढ़ रहा है, बॉल स्ट्राइकर्स के गोल की ओर है, नकामा भी ज्यादा पीछे नहीं है। क्या ये नकामा के लिए जीतने वाला पल हो सकता है? उन्होंने इस मूव के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को चौंका दिया है। लेफ्ट लेफ्ट राइट ग्रीन साथ में एक्स जीरो, एक अच्छी काउंटर प्लान के साथ शेख ने बॉल पर कंट्रोल पाया। नकामा तेजी से पीछे की ओर गए। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी सुपर स्ट्राइकर्स ने सेकंड हाफ में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं। आखिर ये कैसे हो गया? तुमने तो कमाल कर दिया बच्चे। बहुत अच्छे छोटे उस्ताद। थैंक यू वेरी मच हैक, तुम एक अच्छे कोच बनने के सभी लक्षण हैं। कोच न जाने वो कहाँ होंगे। आप आखिर चले कहाँ गए थे? बुशीडो स्टैंडर्ड, तुम लोगों को उसका तोड़ कैसे पता चला? कभी कभी उम्मीद ना हो वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। हेलो, कोच, आप उन किडनैपर से बचकर आ गए? हा? मुझे मेरा फोन वापस मिलेगा? फोन? मेरे पास आपका फोन क्यों होगा कोच? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स थीम को अपना रिंगटोन बनाया है? यहाँ सुपर स्ट्राइकर्स की थीम बहुत फेमस है, मैं इसे वॉइसमेल सर्विस पर भेज देता हूँ कोच।
कोच बोल रहा हूँ, गेम के बाद मैसेज छोड़ो। वॉइस मेल ग्रीटिंग के लिए कोच की आवाज भी बहुत फेमस है। Ha 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 ha!